अभी हो रहे हैं 2:45, बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, और मैंने आज अजीत को बहुत मिस किया खाना खाते हुए। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। नॉर्मली खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, पर बैठते हैं, बातें करते हैं, लेटते हैं, सो जाते हैं, वो कुछ देखते हैं फ़ोन में, मैं भी कुछ फ़ोन में देखती हूँ। मतलब अच्छा लगता है, मतलब साथ में रहते हैं तो यार मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। आई एम मिसिंग हिम सो मच। तो मुझे बोल रहे थे कि जब उनका ऑफिस शुरू होगा तो मुझे बोल रहे थे कि बच्चों से ज़्यादा तू मुझे मिस करेगी। ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए इसके लिए, बट मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगती है, और वो सब साथ में रहते हैं मेरे किचन में, हम बातें करते हैं, काम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं उनको ना किचन में बोलती हूँ कि अरे आ जाओ सैलेड बना दो। एक्चुअली इसी तरह से हमने शुरू किया था कि ये मुझे बोर हो रहा है। जब भी लॉकडाउन था तो मैं काम करती थी किचन में, वो मुझे थोड़ा बोर होता था, तो बोलती थी अरे आ जाओ ना किचन में, अच्छा अभी खड़े हो तो चलो सैलेड काट दो, चलो बर्तन लगा दो। तो ऐसे उनका जो है काम करना शुरू हुआ, अब आदत पड़ गई है। तो मुझे जब किचन में काम करती हूँ तो मुझे हृदय रहता है कभी बात करने के लिए, निष्ठा रहती है, कभी अजी रहते हैं तो मुझे बात करते करते काम करने को अच्छा लगता है, और काम जल्दी भी होता है, मन भी लगा रहता है, और बोर भी नहीं होता है, एंड एस्पेशली रोटी बनाते वक्त। एंड बस अभी वो आज ऑफिस, उनकी आज लंच पार्टी है, लंच होने के बाद वो जाएंगे ऑफिस, और ऑफिस से वो सीधा रात को ही आएंगे, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे करीब वो आएंगे काम करके। तो वो उनका रूटीन होता था पहले कि वो जब जाते थे ऑफिस अराउंड लंच करके घर से निकलते थे 2:30 के अराउंड घर से निकलते थे, एंड 4:35 उनका ऑफिस शुरू होता था टिल 2:30, 3:00, और घर में आते आते 4:30 उनको होते थे। एंड इसलिए आई थिंक वो घर से काम करेंगे क्योंकि उनका शिफ्ट इज़ कैनेडा शिफ्ट, और जब वो ऑफिस में रहते हैं तभी ऑफिस में कोई नहीं रहता है, तो ही इज़ अलोन एंड ही इज़ वर्किंग विद द क्लाइंट्स हु आर इन कैनेडा। तो उनका ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाना ज़रूरी है, लोग हैं, टीम है, और टीम जो है वो वर्चुअली वो लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए अजीत बोलते कि आज सुबह जो बोल रहे थे कि वो घर से ही काम करेंगे मोस्टली, बट कभी कभी जाना पड़ेगा उनको ऑफिस। लेट्स सी क्या होता है। चलिए मैं अभी सोने लूँगी, मेरे को अभी दवाई खानी है। जैसे मैंने बताया था कि मैं वो मैंने बताया था कि मैं रोज हेयर सप्लीमेंट जो है वो खा रही हूँ, कुछ को अभी 3-4 महीने हो गए हैं, काफ़ी असर पड़ा है उससे। मैंने अभी बताया था आपको उसका, तो टेक्नो एच का वो है डर्मा सेंशिया का, उसका टैबलेट है जो मैं खा रही हूँ, 3 महीने हो गए मुझे, एंड मुझे काफ़ी उससे असर पड़ा है। एंड हाँ, उस वीडियो में किसने कहा था कि बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है, ऑब्वियसली बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट होगा तो ही आपको सारे पौष्टिक आहार जाएंगे आपकी बॉडी में। बट बैलेंस डाइट के कभी कभी होता है किसी किसी को, सबको नहीं, वैसे नॉर्मली सबके बाल अच्छे होते हैं, बट किसी किसी को होता है कि वो बैलेंस डाइट का जो न्यूट्रिशन होता है वो काफ़ी नहीं होता है उनकी हेयर के लिए, तो उनको हेयर सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत होती है। वैसे आपने पता होगा, आपको पता होगा, मैं बीच में जब मेरा D3, B12, विटामिन ई सब कम हुआ था तो मैंने इंजेक्शन लगाए थे D3 के, B12 के, क्योंकि मुझे उसका जो पूरा वो था, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं आए थे मेरे बालों को और मेरी बॉडी को। एंड मेरा विटामिन ई का भी मैंने कैप्सूल्स खाए थे, दवाई खाई थी, एंड उसके बाद मैं सोचा कि मैं पूरा कंटिन्यूसली जो है मेरे बालों के लिए, क्योंकि बालों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल खाने से नहीं मिलते हैं, मतलब एटलीस्ट फॉर माई बॉडी इट इज़ नॉट सफिशेंट, एंड इसलिए मैं वो खा रही हूँ। मैं एक्चुअली एम गोना टेक फॉर 1 more month, 4 महीने हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर ब्लड टेस्ट करने वाली हूँ, एंड ब्लड टेस्ट अगर नॉर्मल रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो फिर आई विल जस्ट ईट फूड्स एंड एवरीथिंग जो खाती हूँ। मेरे ब्लड टेस्ट में मुझे रिजल्ट्स में कम आया था इसलिए मैं खा रही थी, एंड नॉर्मली भी आप मतलब अच्छा लगता कि एक उम्र के बाद बालों में प्रॉब्लम हो शुरू हो जाती है, झड़ना और सब होना, तो खाने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे तो लगता कि मेरे बॉडी के लिए ठीक है। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको खाना है नहीं खाना है, मैं खा के मुझे बता दूँ आपको। एंड चलिए मैं सोने जा रही हूँ, फिर मैं शाम से बात करूँगी आपसे। हाय यान टेंपल, यान टेंपल, यान टेंपल, वी आर वॉकिंग योर टेंपल, वी आर वॉकिंग एट टेंपल एंड सी योर थर्ड टीथ इज ब्रोकन। हां अदर इज ओके, ही लेट हिज हैंड स्ट्रेट एंड ही हैज द ब्यूटीफुल पॉ, सॉरी लेग। हाँ चलो, हाँ डॉग, दिस इज द ब्यूटिफुल लेक विच आई ऑलवेज लाइक। कंफर्टेबल ना? या ऑल द ब्यूटिफुल बर्ड्स,
ब्यूटीफुल मम्मा या वेरी ब्यूटीफुल मम्मा इट बिकम सीरियस चलो व्हाट एवर सीरियस व्हाट एवर व्हाट व्हाट एवर लव लेट मी होल्ड यू डू द व्लॉगिंग हम लोग वॉक करने आए हैं और ये देखो व्लॉगिंग करनी है मैं दोपहर को सोई नहीं दीदी ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया अभी हो रहे हैं टेल टाइम बाबू ओके इंस्टा डे ब्लॉग टेल टाइम 5:30 हो रहे पर साइकिलिंग करी हमने है ना दीदी टेल व्हाट यू डिड प्लीज वी वेंट डाउन वी डिड साइकिलिंग कैन स्पीक इन हिंदी नो यू नो हिंदी ना वेरी वेल स्पीक इन हिंदी हम नीचे आए हाँ हम साइकिल करा हाँ और फिर इधर टेम्पल पर आए ओह माय गॉड घर पे आ गए अभी 6:15 हो रहे हैं मैंने एक्सरसाइज करी हम लोग पहले साइकिलिंग करी फिर थोड़ा सा राउंड मारा फिर हम लोग ऊपर आए मैंने धनिया लिया दुकान से सब्जी दुकान से धनिया लिया धनिया घर में खत्म हो गया था फिर निष्ठा को लेके निष्ठा मैं और दीदी ऊपर गए टेरेस में वहाँ पर स्किपिंग करी थोड़ा सा वार्म अप किया टाइम पास किया खेले बहुत मज़ा आया ऐसे हम लोग ना वैकेशन में खेलते थे मैं और निष्ठा और दीदी तो अभी मैं फिर से कोशिश करूँगी टाइम मिलेगा तो बच्चों को लेके जाऊँगी ऊपर और टाइम स्पेंड करूँगी साथ में उनके से बच्चा बनना चाहिए हमेशा पढ़ाई कर लो ये कर लो सो जाओ उठ जाओ इसके अलावा भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे ना अगर तो अच्छा लगेगा एंड इनका स्कूल शुरू हो गया तब से के पास टाइम ही नहीं है मतलब टाइम नहीं रहता है और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो लोग टीवी देखते हैं तो इसलिए और मैं बहुत मिस कर रही हूँ अजीत को मैं 2 बार उनको वीडियो कॉल कर चुकी हूँ 2 बार बेचारे मीटिंग में थे उनको बहुत मिस कर रही हूँ मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ होते हैं ना घर में होते तो उसे घर में हाँ ठीक है ठीक है घर में से वैल्यू कम होती है जब बाहर गए तो बहुत ज़्यादा ऐसे मिस हो रहा है अब मैं जाऊँगी चाय बनाऊँगी कचरा है धनिया का और ये धनिया मैंने साफ करके रख लिया है पत्ते पत्ते आधी जुड़ी थी मतलब छोटी बड़ी जुड़ी था उसका हाफ जुड़ी अब मैं जाऊँगी किचन में और बनाऊँगी बच्चों के लिए दाल खिचड़ी और मैं देख रही हूँ मूवी कह रही हूँ बस एंड चल रहा है तो मैं जाऊँगी किचन में अभी हुए हैं 8:20 यहाँ पर खिचड़ी हो रही है और धनिया साफ कर लिया बच्चे अभी आने वाले हैं 9 बज गए हैं बच्चों का टाइम हो गया है आने का और आज फ्राइडे है तो बहुत देर से भी आएंगे तो भी चलेगा कि कल स्कूल नहीं है सो आज जैसा डिसीजन नहीं है कि मतलब नॉर्मली बच्चे बाय 10:30 दे गो इन द बेड एंड जाते ही दिन 10 मिनट निष्ठा तो सो जाती है हृदय कभी कभी 11 बजे होता है बट बाय 11 o'clock दे स्लीप एंड वो सुबह उठते हैं हाँ पहले आप अंदर आइए एक पहले तुम लोग हाथ धोगे पाव धोगे हाँ अच्छा यू रिमूव योर शूज आई हर्ड फ्रॉम देयर यू रिमूव योर शूज सैंडल टुडे नो नो मम्मा वी वर प्लेइंग मोनोपोली इन भीविंग शू दैट्स व्हाई ऊर्जा टोल्ड टू रिमूव योर चप्पल एंड भीविंग ओनली बट यू आर आउटसाइड एंड दे वर शॉटिंग एट यू इरे चलो कम ऑन कम इनसाइड वॉश योर हैंड्स अभी एक और सिटी अभी तक बंद कर दूंगी आई थिंक तब तक हो जाएंगे आराम से फर्स्ट यू वॉश योर हैंड आई विल लिसन टू योर गॉसिप फर्स्ट यू वॉश योर हैंड थैंक यू एंड फिर रिमूव योर सॉक्स गो एंड द बाथरूम रिमूव सॉक्स पापा को ना कम लेट बाबू पापा आई वेंट टू ऑफिस लेट देन दैट मेरी पूछा पापा कभी आएंगे पापा कभी आएंगे बाई 4 o'clock मे बी पापा आज जल्दी भी आए बच्चे सो गए खाना वाना हो गया अब मैं जा रही हूँ वॉक करने एंड अभी हो रहे हैं 12 बज रहे हैं तो मैं मेरा काम तो मतलब 11 बजे बच्चे सो गए थे बट मैं वहाँ से काम कर रही थी मुझे मन नहीं कर रहा था पर फाइनली खुद को मना के मैं वॉक करने के लिए निकली एंड अजीत ऑफिस से निकल चुके हैं वो घर में आके फिर से काम करेंगे टिल 3 o'clock तो आई थिंक वो आएंगे बाई 12:30 शायद मुझे नीचे मिल जाए आई डोंट नो तो घर में आके उनको फिर से काम करना है ऐसा नहीं है कि काम हो गया उनका तो मतलब जल्दी आ रहे हैं वो बस यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है ठंडा मौसम है अच्छा मौसम है मुंबई में ऐसा मौसम ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है अच्छी इधर अच्छी है वाह व्हाट यू गॉट व्हाट इज दिस बुक है दो बुक है और ये स्टैंड है स्किपिंग रोप लेके आए हो लैपटॉप का स्किपिंग रोप ये तो ऐसे ही था स्किपिंग दीदी लेगा आपका ये
अब काम करोगे कि हो गया आपका काम करना है बाबा, आज फटा है पूरा फटा है फटा हुआ होता ही जब भी पार्टी होती है ना कभी ऑफिस में उसमें उस दिन में प्रॉब्लम होती है, है ना। बोला साला गिफ्ट दिया, फेयरवेल वाला गिफ्ट दिया तूने, रिटर्न गिफ्ट मिल गया हम लोग को। आप जाओगे ना फिर अपने आप, चाबी है ना आपके पास? चाबी है बट वो निकालना पड़ेगा। कुछ खाएंगे? मीठा भी दो अपनी। माइक इज टू यू। अजीत को मैं ड्रॉप कर देती हूँ। लैपटॉप किसका है अजू? ये लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप स्टैंड है मेरा जो था ना। आप करोगे उसको यूज? क्यों? अभी तो वी हैव टेबल ना। टेबल है बट फिर कोई था वो आपके ऑफिस में? और कोई नहीं? और कोई नहीं? हाय, मैं दस और कोई नहीं, सब लोग गए 8 बजे चले गए थे सब। ये तो ब्लॉग को एंड कर देते, तो मैं भी ब्लॉग को एंड कर देती हूँ गाइस। एंड मैं वॉक करने जा रही हूँ, अजीत जाके काम करेंगे। तो बहुत मिलते हैं कल, बाय बाय।